Today we will solve some problem based on direct variation and inverse variation. 39% can repair a road in 12 days working 5 hours a day. 39% 5 hours एक दिन में वर्क करें तो उस रोड को 12 डेज में रिपेयर करते हैं. इन हाउ मेनी डेज विल 30% वर्किंग 6 आवर अ डे कम्प्लीट द वर्क. अगर 30% एक दिन में 6 आवर्स वर्क करें तो वो उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं. गिवन 39% वर्किंग 5 आवर्स कैन रिपेयर अ रोड इज इक्वल टू 12 डेज. 39% 5 आवर्स वर्क करें एक दिन में तो वो उस वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं. 1% वर्किंग 5 आवर्स कैन रिपेयर अ रोड इज इक्वल टू 12 × 39. अब यहाँ हमने 39 की जगह पर 1% लिया है तो हमारा वर्क जो होगा वो ज़्यादा दिन में कम्प्लीट होगा. लेस पर्सन मोर डेज. वन पर्सन वर्किंग 1 आवर कैन रिपेयर द रोड. अगर हम 1 पर्सन से 1 ही आवर एक दिन में वर्क कराएं तब हमारा जो वर्क है वो और ज़्यादा डेज में कंप्लीट होगा. सो 1 पर्सन वर्किंग 1 आवर कैन रिपेयर अ रोड इज़ इक्वल टू 12 × 39 × 5 डेज. लेस आवर मोर डेज. अब हमने वर्क जो है हमने आवर्स कम कर दिए तो टाइम हमारा और ज़्यादा डेज बढ़ गए हैं. सो 30% वर्किंग 1 आवर कैन रिपेयर अ रोड इज इक्वल टू 12 × 39 × 5 डेज अपॉन 30. अब हमने यहाँ पर 1 की जगह 30% लिए हैं तब हमारा वर्क जो होगा वो कम हो जाएगा, कम डेज में कंप्लीट होगा. सो मोर पर्सन लेस डे. ज़्यादा पर्सन से अगर उसी वर्क को हम कराएंगे तो वो और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. सो 30% कैन वर्किंग 6 आवर इज इक्वल टू 12 × 39 × 5 / 30 × 6. अगर हम 6 आवर्स वर्क कराएं तो कितना हो जाएगा, मोर आवर लेस डे. 30% से और ज़्यादा डे ज़्यादा वर्क कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो कम दिन में कंप्लीट होगा. सो 12 × 39 × 5 / 30 × 6 यहाँ कैलकुलेशन करके हमारा कितना आ जाएगा, 30 डेज़.